दोस्तों, आपने अपनी नानी और परदादियों को आप जब आप बच्चे थे तब आपकी नाभि में तेल डालते हुए तो जरूर देखा होगा। देखिए, हम आपको वैसे पहले ही बता चुके हैं कि नाभि में तेल डालने के कई गजब के फायदे होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप रोजाना अपनी नाभि में तेल डालते हैं तो उससे आपको क्या कुछ खास फायदे मिल सकते हैं। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वॉचिंग बोल्ड स्काई। अगर आप रात को सोने से पहले नाभि में कुछ तेल की बूंदी डालते हैं तो इसका सीधा असर आपके चेहरे पर पड़ेगा और फोड़े फुंसी सब दूर हो जाएंगे। साथ ही अगर नियमित रूप से आप पेट की नाभि में तेल लगाते हैं तो पेट दर्द की समस्या से भी आपको राहत मिलती है। देखिए, कई बारी हम कुछ अटपटा खा लेते हैं और आजकल तो ज्यादातर लोगों की खराब लाइफस्टाइल के चलते अक्सर उनका पेट खराब रहता है, जिसके लिए वो डाइजीन के अलावा कई सारी और गोलियां और दवाइयों का सेवन करते हैं। ज्यादा देर तक पेट खराब रहने की वजह से आपके स्किन पर भी फोड़े फुंसियां और यहाँ तक कि वो डल भी दिखना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप रोजाना अपनी नाभि में तेल लगाते हैं तो इससे ना सिर्फ आपका पेट दर्द ठीक होता है, आपका पेट साफ होता है, बल्कि अपच मितली जैसी समस्या से भी आपको राहत मिल सकती है और आपकी स्किन भी काफी ग्लोई बन सकती है। आपने अपनी दादी नानी को बच्चों के नाभि में तेल डालते जरूर देखा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे हमारे चेहरे पर भी असर पड़ता है, चेहरा मुलायम और हाइड्रेटेड रहता है। अगर आप अपने पेट के बारे में सोचते हैं तो इसके लिए आपको रात के समय अपनी नाभि में बादाम का तेल जरूर डालना चाहिए। इससे आपका चेहरा चमकदार और खूबसूरत दिखेगा और साथ ही साथ आपका जो पेट है वो भी सही हो जाएगा। अंदरूनी रूप से पेट की सफाई के लिए और उसे हाइड्रेटेड रखने के लिए रोज रात सोने से पहले अपनी नाभि में आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। बाल के साथ साथ ये आपके चेहरे के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। वहीं नीम में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, ऐसे में अगर आप नाभि में नीम का तेल लगाते हैं तो इससे ना सिर्फ आपका पेट साफ होता है बल्कि ये आपकी स्किन को और भी ज्यादा प्यूरिफाई करता है। उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कुछ बोल रहे थे?